जिला प्रशासन और नगर निगम की सख्त कार्यवाही, मालगंज क्षेत्र में खुली कई दुकानें, घड़ी मोबाइल और मिठाई की 5 दुकानें की गई सील। वहीं टोंगिया कंपाउंड में घर पर बन रहे थे कचौरी समोसे। जिला प्रशासन व निगम की कार्यवाही कर चूल्हा और सिलेंडर भी जब्त कर लिया है। इंदौर में 1 जून से अनलॉक कर कुछ व्यवसाय को छूट दी गई है। इसी के मद्देनजर नगर निगम और जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि शहर के टोंगिया कंपाउंड और अन्य क्षेत्रों में प्रतिबंधित दुकानें खोली गई हैं और कारोबार किया जा रहा है। वहीं टोंगिया कंपाउंड में घर में ही कचौरी समोसे बेचने का व्यवसाय कर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन भी किया जा रहा था। सूचना मिलने पर नगर निगम के अपर आयुक्त शगार श्रीवास्तव और ADM अजय देव शर्मा मौके पर पहुंचे और कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। गौरतलब है कि कलेक्टर के सख्त आदेश हैं कि कोरोना गाइडलाइंस और अनलॉक में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अपर आयुक्त श्रगार श्रीवास्तव ने बताया कि टोंगिया कंपाउंड सहित शहर के अन्य दुकानों में जो व्यापार किया जा रहा था उनके खिलाफ कार्रवाई का सामग्री भी जब्त की गई है। मिठाई की दुकान चलाने का मतलब फिर मतलब क्या है? काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आधा शटर खोले हुए हो। 2 दिन से ही कर रहा था। क्यों सर? डेली और आधी खोलो, जरा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो इसको, हटो, आ जाओ, जाओ अरे साहब, आ जाओ आप, आओ अंदर। क्या बन रहा है? क्योंकि ये पोहे वाला तो बन रहा है। अच्छा ये बन रहा है। हाँ सर। क्यों भैया लॉकडाउन में क्यों चला रहे इसको? सामने अब आपका है, पहले बंद कर दो सबको। बंद कर, बंद कर। क्यों चला रहे हो इस तरीके से भीड़ लगा रहे हो? क्या नाम है आपका? दशरथ। हाँ दशरथ प्रजापति। बच्चा राज प्रजापति। आपको मालूम नहीं लॉकडाउन है, परमिशन नहीं है यहाँ तो? पूरी व्यवस्था कर रखी है आपने, बंद करिए इसको। अब इसको सील कैसे करोगे घर को? ये तो घर है, बंद कर देंगे। नहीं बंद कैसे करोगे? तो FIR करेंगे आपके, हम बंद तो करवा ही देंगे। चलिए कह रही, यहाँ पे बुलाओ जरा, यहाँ का लोकेशन दे दो। ये काना कलेक्शन क्यों खुला भैया? ये काना कलेक्शन क्यों खुला हुआ? पूरी खोलेगा कोई क्या? अरे सुनो मेरे बात भाई, तुम्हारी छोटी सी मेरी बहस कर रहा, तुम देखो मेरी बात। नहीं नहीं, अरे निर्माण कार्य में कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं ना। अब जब परमिशन होगी जब खोल देंगे, अभी सील कर रहे हैं। मैं बंद कर देता। चलो बंद करो ना, करो बंद करो, बंद कर देता। आप बोल रहे नहीं खोल ना, आप बोल रहे बंद कर देता, कोई दिक्कत नहीं भैया। किसने परमिशन दी हुई है खोलने की? ये देखो इसको, राधा कलेक्शन, इसको बंद करो। ये कौन सा सामान की परमिशन है? कॉस्मेटिक्स वगैरह रखा हुआ है, बस ठीक है। CSC चालू? नहीं नहीं, ये देखिए ना, नहीं नहीं चल पाएगा ऐसा। CSC बंद करेंगे? नहीं बंद करें, हम सील करेंगे। सील कराओ इसको। ये थोड़ा इस सर्विस सेंटर के नाम पे, सर्विस सेंटर के नाम पे भैया आप इस तरीके से नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ना आप बता, हम तो सील करेंगे। तो सर हम आप आ जाओ, हम सील करेंगे। नाम बताइए आपका। कार्रवाई प्रकार की कार्रवाई क्या सूचना? देखिए जैसा कि ADM सर ने बताया, कलेक्टर महोदय और निगम कमिश्नर मैडम के निर्देशानुसार जो संयुक्त जांच दल बने हुए हैं, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जो छूट मिली है, कलेक्टर सर का जो प्रतिबंधात्मक आदेश में छूट मिली है, केवल वो छूट प्राप्त व्यवसाय ही चलें और उसके अलावा लोग अनधिकृत रूप से अपना कोई व्यवसाय संचालित ना करें जिससे अनावश्यक भीड़ हो। ये मालगंज चौराहे के पास में टोंगिया परिसर में यहाँ भीड़ दिखाई दी थी। लगातार सुबह से हम लोग करीब करीब 5-6 दुकानें अभी तक सील कर चुके हैं। देखने में ये आ रहा है कि लोग कन्फ्यूज़न बता रहे हैं कि सब हमको जानकारी का अभाव था इस कारण से हमने खोल ली, लेकिन जो प्रतिबंधात्मक आदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि किस गतिविधि को अनुमति है और किसको अनुमति नहीं है।
लोग जो अनधिकृत रूप से इस तरीके से अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी ये जो टोंगिया परिसर में प्रजापत जी रेस्टोरेंट जैसा पूरा अपना अंदर घर से चला रहे हैं, ढेर सारी कचौरी पोहा वगैरह बना हुआ था, बाहर हम जब आके देख रहे थे तो सब्जी वाले खासकर यहाँ पे नाश्ता करने के हिसाब से भीड़ लगाए थे, तो 10-20 ठेले वो भी थे। तो इस तरीके से काफ़ी संक्रमण फैलने के चांसेस बनते हैं, ऐसी गतिविधियों को रोकना बहुत आवश्यक है, इसलिए इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। 188 धारा जो है उसके अंतर्गत हम लोग FIR इनकी कराएंगे और अभी स्पॉट फाइन जो है वो 5000 रुपये का इनका बनाया है। खाद्य सामग्री जो पाई गई है उसको विनष्ट कर रहे हैं और जितने भी इनके चूल्हे और गैस सिलेंडर वगैरह इसको जब्त कर रहे हैं। और इसी तरीके की कार्रवाई अब लगातार हम लोग जो है वो जहाँ जहाँ इस तरीके से घरों में अन्य परिसरों में जो दुकानें और ठेले वाले बंद हो गए हैं लेकिन घरों से। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।